नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गणतंत्र दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम, पूर्व संध्या पर निकली तिरंगा यात्रा। जी हां, गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर में अनेक कार्यक्रम हुए। जगह जगह तिरंगा शान से लहराता रहा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रशासन के आह्वान पर स्टेशन से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई देहात थाना परिसर पहुंची, जहां राष्ट्रगान के साथ तिरंगा मेरी शान कार्यक्रम पूर्ण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ज्ञान प्रकाश अग्रवाल ने उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं सहित गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। रैली में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में सभी धर्म संप्रदाय के नागरिकों सहित स्कूल के छात्र शामिल हुए। वहीं लाल परेड मैदान में गणतंत्र दिवस का सामूहिक आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें स्कॉलर पब्लिक स्कूल, स्वास निकेतन, नवाकुर विद्यापीठ, IPS वात्सल्य स्कूल एवं कई स्कूल के विद्यार्थी स्टाफ मौजूद रहा। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे उपस्थित सभी नागरिकों ने खूब सराहा और तालियों के माध्यम से सभी का उत्साहवर्धन किया। जगह जगह प्रत्येक सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा लहराता रहा और जगह जगह नागरिक गणतंत्र दिवस पर भारत माता के जयकारे लगाते दिखाई दिए। विदिशा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता LN चौबे की एक रिपोर्ट।